आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आरएसएस पर टिप्पणी वाले मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत। इस्तीफे पर प्रियंका ने लिखा, राहुल ने किया हिम्मत का काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान। पाकिस्तान में छिपा बैठा है डॉन दाऊद इब्राहिम, भारत ने सौंपे पाकिस्तान को दस्तावेज। मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश के लिए वित्त आयोग से मांगे ज्यादा संसाधन और ज्यादा राशि। और भाजपा विधायक के विवादित बोल, साथी को जेल से छुड़वाने के लिए कही खून बहाने तक की बात। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गौरी लंकेश हत्या कांड को संघ और भाजपा की विचारधारा से जोड़ने के मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। मुंबई की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में जमानत दे दी। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया, जिसके बाद उन्हें 15,000 मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुए राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष करार देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित तौर पर आरएसएस भाजपा की विचारधारा से जोड़ा था। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को दोषी ठहराने के आरोप में राहुल गांधी पर पड़ोसी थाने जिले की भिवंडी में एक और मानहानि का मुकदमा चल रहा है। वकील और आरएसएस कार्यकर्ता धुरतीमान जोशी की निजी शिकायत पर मझगांव महानगरी मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरवरी में राहुल गांधी और मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी को समन जारी किया था। जोशी ने 2017 में राहुल गांधी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। निजी शिकायत में कोर्ट से पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश देने का निवेदन किया गया था। जोशी ने आरोप लगाया था कि सितंबर 2014 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने मीडिया से कहा था, जो कोई भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है उसे दबाया जाता है, पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है और यहां तक कि उसकी हत्या कर दी जाती है। लड़ाई है, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा हूं और आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कल जो भी कहना था मैंने अपने नोट में कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आम बजट से पहले देश का आर्थिक सर्वे पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में इसे पेश किया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला आर्थिक सर्वे होगा। आर्थिक सर्वे में तेल की कीमतों में कमी आने और देश की जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अब बैंक की परीक्षाएं 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराई जाएंगी। आर्थिक सर्वे में साल 2019-20 में तेल की कीमतों में कमी आने का अनुमान है। इसके साथ ही देश की जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 2019-20 में वित्तीय घाटा 5.8% रह सकता है। These 13 regional languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. The candidates will, in addition to English and Hindi, also have the option to choose the regional language of the state that they have opted for from among the above languages as their medium of examination. This change shall be implemented from the mains examination of CRP RRB 8, which is 2019, this year onwards. Thank you. मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि हमारी टीम ने पूरे समर्पण के साथ काफी मेहनत से आर्थिक सर्वे को तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि नतीजे अच्छे होंगे और हम अर्थव्यवस्था में नए विचार दे सकेंगे। आर्थिक सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था, राजकोषीय खाका, निर्यात, उद्योग, मौद्रिक प्रबंधन, कृषि बुनियादी ढांचा, सर्विस सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जैसे चैप्टर पर सरकार का नजरिया सामने आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दाऊद पाकिस्तान में ही मौजूद है, हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। ये सबूत पाकिस्तान को भी दिए गए हैं।
बावजूद इसके पाकिस्तान की ओर से अब तक झूठी कार्रवाई का दिखावा ही किया जाता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि दाऊद की लोकेशन किसी से छिपी नहीं है। हम पाकिस्तान को पूर्व की तरह एक बार फिर उन अपराधियों की लिस्ट दे रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम लगातार उन लोगों को भारत को सौंपने की मांग कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान को नसीहत दी गई कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। That this is something which is a very old story. You know, I think we are talking about post Mumbai blast. And time and again we have emphasized, we have highlighted that Daud's presence in Pakistan and Pakistan's denial, I think it is something which basically exposes Pakistan. It basically shows that Pakistan is not very serious in taking action against the terrorist groups operating from the soil. I am not specifically aware whether this has been communicated through FATF. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने जमाता उल दावा के आतंकी हाफिज सईद और अन्य को टेरर फाइनेंसिंग में हिरासत में ले लिया है। इस तरह के कदम उठाकर बेवकूफ बनाए जाने की कोशिश न की जाए। भारत और यूएस के बीच संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओसाका में हुई बातचीत काफी खुली और उपयोगी रही। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे की सार्वजनिक रूप से घोषणा के बाद कांग्रेस को सांप सूख गया है। इस बीच उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट कर राहुल गांधी की तारीफ की है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि राहुल गांधी, आपने जो किया उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए, आपके फैसले के लिए गहरा सम्मान है। अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से नया अध्यक्ष चुनने के लिए कहा है। ऐसे में घबराए कांग्रेस नेता उन्हें मनाने में लगे हैं। वहीं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी, आपने जो किया उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए, आपके फैसले के लिए गहरा सम्मान है। इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन में साफ कहा कि वह अब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं है और इस्तीफा दे दिया। इसलिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाकर नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले पर किसी किंतु परंतु की गुंजाइश खत्म करने के लिए अपना इस्तीफा ट्वीट के जरिए सार्वजनिक कर दिया। इसके घंटे भर बाद ही उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस अध्यक्ष का पद नाम भी हटा दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ से भोपाल में 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह एवं अन्य सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वित्त आयोग के सदस्यों को राज्य के वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वित्त आयोग के चेयरमैन और सदस्यों से कहा कि प्रदेश हित में ये जरूरी है कि राज्य को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। जब तक राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा, इसलिए राज्यों को समुचित संसाधन दें। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वित्त आयोग से अपेक्षा की कि वे देश के सभी राज्यों को अधिक से अधिक राशि भी उपलब्ध कराएं, इससे राज्यों के विकास में गति आएगी। इस मौके पर केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, रमेश चंद्र, अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह, आयोग के सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह से मिलने पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने 15वें वित्त आयोग को कई सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि एमपी खनिज का भंडार है लेकिन इसका फायदा हमें कम मिलता है। मेजर मिनरल्स पर भी राज्यों का अधिकार नहीं, तो ऐसे राज्य जहां गरीब ज्यादा हैं उन्हें लेकर कुछ प्लान बनाना चाहिए। शिवराज सिंह अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश को लेकर कुछ ना कुछ वे करते रहते हैं। वित्त आयोग के चेयरमैन से मिलकर उन्होंने कहा कि एमपी के खनिज भंडार का लाभ एमपी को मिले, इसका ध्यान रखा जाए। वहीं पर्यावरण को लेकर भी पूर्व सीएम ने सुझाव दिया और एमपी और सीजी में फॉरेस्ट कवर 30% है, ये बात उनके सामने रखी। ऐसा फार्मूला 15 फाइनेंस कमीशन बनाए, खनिज का भी हमको लाभ मिले, गरीबी के आधार पर भी हम सेवा करके गरीबी कैसे दूर कर पाए, वैसे फार्मूले को बनाया जाना जरूरी है। मैंने ये भी कहा है कि योजनाएं अगर बनती हैं, जब मैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मैं शेयर क्या हो, फंडिंग पैटर्न क्या हो राज्यों का और केंद्र का, उसका भी मैं अध्यक्ष था, मुख्यमंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, तब कई सिफारिशें मैंने की थी। उसमें यह कहा था कि योजना को बांटो एक कोर स्कीम्स जो सब राज्यों में लागू की जाएगी, जैसे पानी का मामला है, पेयजल का मामला है, या बिजली पहुंचाने का मामला है, बुनियादी चीज़ें अनेकों चीज़ उसमें आती है, लेकिन कुछ को ऑप्शनल रखा जाए, क्योंकि हर स्कीम जो ज़रूरी है नागालैंड मणिपुर मिजोरम के लिए वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए ज़रूरी नहीं। तो हर चीज़ राज्य को बाध्यकारी ना हो, राज्य की आवश्यकता के हिसाब से स्कीम बने। शिवराज ने कहा, हम अपने जंगलों से दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं, लाभ दुनिया को हो रहा है लेकिन इन राज्यों को नुकसान हो रहा है,
क्योंकि जंगल के चलते हम वहाँ विकास नहीं कर सकते। ऐसे में नीति आयोग को उन राज्यों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए जिन्होंने जंगल बचा कर रखे हैं। वहीं राज्यों को बजट की राशि जल्दी देने का भी शिवराज ने सुझाव दिया और कहा कि केंद्र को जल्द राज्यों को राशि जारी करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से विकास में उसे खर्च कर सकें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर एक भाजपा विधायक के विवादित बोल सामने आए हैं। विधायक ने अपने एक साथी को जेल से छुड़वाने के लिए खून बहाने तक की बात कही है। अमर पाटन से भाजपा विधायक राम खिलावन पटेल का विवादित बयान सामने आया है। रामनगर सीएमओ पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी बीजेपी नेता राम सुशील पटेल को जेल से छुड़ाने के लिए विधायक लोगों को लामबंद कर रहे हैं और खून बहाने की बात कह रहे हैं। विधायक पटेल ने कहा कि राम सुशील पटेल को जेल से छुड़ाने अगर भाजपा को खून भी बहाना पड़ा तो पार्टी पीछे नहीं हटेगी। आप भी सुन लीजिए इन एमएलए साहब का बयान। पर मैं आप लोगों को वचन देना चाहता हूं कि राम सुशील पटेल को हम लोग जेल से बाहर ले आएंगे और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना खून भी बहाना पड़ेगा। हाँ। तो खून भी बहाने का काम के तारे टूटेंगे, सुशील भाई छूटेंगे। राम सुशील तुम कौन होगा? ऐसा लगता है इन विधायक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त चेतावनी का कोई असर नहीं है या विधायक अपने ही बड़े नेता मोदी की बात से सहमत नहीं है। विधायक की इस बेसिर पैर की बात की जानकारी बीजेपी संगठन ने अपनी जानकारी में ले ली है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के सामने एक छात्र के पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पेट्रोल की बोतल को छात्र से छीन लिया। छात्र गणित विषय में पास करने की मांग को लेकर प्रभुराम चौधरी के निवास पर पहुंचा था। भोपाल में एक छात्र ने शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के निवास पर पास करने की मांग को लेकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी के चलते छात्र इसमें कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने छात्र के हाथ से पेट्रोल से भरी बोतल छीन ली। बताया जा रहा है कि छात्र शाम 10th की मार्कशीट में ग्रेस से पास करने की मांग कर रहा था। छात्र ने 2018 में एमपी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा दी थी। छात्र के गणित विषय में 28 अंक आए हैं। 5 अंक के ग्रेस के साथ वह उत्तीर्ण कराने की मांग कर रहा था। सुनवाई न होते देख वो करियर बर्बाद होने को लेकर छात्र ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसलिए आए हैं सर की जो कि हम बहुत दिनों से भटकवाया जा रहा है। हम 2018 से हम परेशान हैं जो कि हम अपनी आवेदन दे देते गए शिक्षा मंत्री के यहाँ। हमारे को न तो पावती मिलता है न तो हमारे रिसीव मिलता है। खाली हमारे दिया बना के बेवकूफ बना बना खाली लौटवाते रहते हैं, घुमा फिर रहते हैं। इस कारण से हमारा हम जिला कलेक्टर के पास आवेदन किए हैं। उस आवेदन को शिक्षा मंत्री नाम से हम आवेदन दिए हैं। उस कागज को पालती नहीं मिलते, गाली गलत देते हैं, मारपीट करते हैं। हमारे को सही जगह पर हमारा कागज नहीं भेजते। हमारा घर है ग्राम जरहा तहसील जिला टोल लेकर आए जो कि हम बहुत परेशान हो गए, काफ़ी परेशान हो गए। अपनी आत्महत्या कर रहे हैं कि अब हमारा सुनवाई नहीं हो रहा। अपनी आवेदन दे देते भोपाल में थक गए। छतरपुर में पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित कैशियर ने ही साजिश के तहत लाखों की लूट की कहानी गढ़ी थी। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सट्टे में रकम हारने के बाद लूट की वारदात की कहानी बनाई। पुलिस ने 420 का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर पुलिस ने 16 लाख की लूट का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित ही लाखों की लूट का साजिशकर्ता निकला। दरअसल सिविल लाइन थाने में महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के कैशियर ने रिपोर्ट की थी कि वह जब बाइक से 16 लाख की रकम लेकर बैंक जमा कराने जा रहा था तभी बाइक सवारों ने उसे लूट लिया। पुलिस को पहले इस लूट में सच्चाई दिखी लेकिन जब पुलिस ने कैशियर नितिन खरे से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी।
कल दोपहर की बात है, इसमें एक नीलेंद्र खरे नामक व्यक्ति ने आके थाना सिमलैंड में रिपोर्ट की कि उसके साथ में 8 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। घटनास्थल पर पहुँचे थाना प्रभारी विनायक शुक्ला और उससे पूछताछ की, फिर उसके बाद में कुछ देर बाद उसने जो बताया कि 16 लाख रुपए की लूट हुई है, जिस बैग को लूटना बताया था वो बैग उसके पास पाया गया। तो उसमें फिर वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, इसमें ये पाया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा जो स्टार फाइनेंस कंपनी में मुलाजिम है, स्टार ऑटोमोबाइल भी दो फर्म है उनके यहाँ ये काम करता है, उसका पैसा जमा करने के लिए दिया गया था, उसको इसने हमारा अपना खयानत करते हुए बाहर रख लिया और उसका दुरुपयोग किया। इस पर प्रकरण पंजीकृत किया गया है धाराओं में और कुछ पैसे की रिकवरी हुई है और पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना लोगों की मुसीबत का कारण बन गई है। इसकी किश्त समय पर नहीं मिलने से लोगों के घर नहीं बन पा रहे और लोग खुले आसमान के नीचे बसर करने को मजबूर हो गए हैं। गाडरवाला में परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किश्त न मिलने से आक्रोशित लोगों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। किश्त न मिलने से बारिश में लोगों की फजीयत हो रही है। गाडरवाड़ा के लोगों ने पीएम आवास के किश्त को लेकर धरना प्रदर्शन किया और नगर पालिका की लश्कर कार्यशैली को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। धरने पर बैठे रहवासियों की छोटी सी मांग है कि उन्हें किश्त समय पर दी जाए। प्रदर्शन में स्थानीय समाजसेवियों ने भी भाग लिया। इन लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक पहली किश्त ही इन लोगों को मिल पाई है, जबकि क्षेत्र में कई परिवारों को तो इस योजना का लाभ तक नहीं मिला है। पहली किश्त के बाद लोगों ने अपने घर तोड़ लिए, अब दूसरी किश्त न मिल पाने के कारण उनके मकानों का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण बारिश के मौसम में उन्हें अब खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। ये सामूहिक धरना है प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों की एक राशि आई है एक बार, जिन लोगों की राशि आई नहीं, जिनके नाम दो दो साल पहले आ चुके हैं, उन लोगों ने दो बार इससे पहले जन सुनवाई में भी अपना आवेदन दिया था और 15 दिवस का समय दिया हुआ था, जो कि आज 15 दिवस बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और हम सब जनप्रतिनिधि लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, अपनी बात रखी गई है और चूंकि ये जनता का धरना प्रदर्शन था, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पार्षद उनका सहयोग करने गए थे। उनकी बहुत वाजिब और वास्तविक मांग है, उनका जिस तरीके से शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई और दो दो तीन तीन साल से कई लोगों को प्रमाण पत्र मिल गए लेकिन उनको अभी तक राशि प्रथम किस्त भी नहीं मिली। कई को प्रथम किस्त मिल गई है तो फिर द्वितीय और तृतीय नहीं मिली। कहीं किसी वार्ड में 300-400 लोगों के खाते में पैसा डाल दिया गया, किसी वार्ड में 5 या 6। इस तरीके की जो अनियमितता गाडरवाड़ा की नगर पालिका में हो रही है। लोगों का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनकी समस्या नहीं सुनी, इसलिए मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर मामले को जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बारे में एसडीएम राजेश शाह ने बताया कि समस्या का निराकरण जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इस बारे में नगर पालिका के अधिकारियों से बात की गई है और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। नगर पालिका गाडरवाड़ा क्षेत्र में पीएम आवास जो स्वीकृत हुए थे उनके संबंध में विभिन्न शिकायतें विभिन्न फोरम से जन सुनवाई के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः ये कहा गया है कि जो हितग्राहियों का चयन किया गया है वो पक्षपात के आधार पर किया गया है और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वैध दस्तावेज भी नहीं हैं। इस संबंध में हमने यहाँ पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। रीवा का गोविंदगढ़ धीरे धीरे अवैध कारोबार पर गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा है। गोविंदगढ़ के थाना प्रभारी को हटाने ग्रामीणों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आईजी से बात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। गोविंदगढ़ वासी और युवा एकता परिषद का आरोप है कि गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता अपनी मनमानी के चलते गोविंदगढ़ वासियों का सिरदर्द बने हुए हैं। थाना प्रभारी के संरक्षण में कई सारी अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं। लोगों का आरोप है कि गोविंदगढ़ में जब निरीक्षक एस के गुप्ता पहली बार थाना प्रभारी बनकर आए थे तभी से क्षेत्र में अराजकता का माहौल बन गया है, जिस कारण तत्कालीन एसपी ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था।
परंतु अपने राजनीतिक रसूख के दम पर वे पुनः दोबारा गोविंदगढ़ थाने के प्रभारी बनने में सफल हो गए। अब आम जनता थाना प्रभारी की कारगुजारियों से त्रस्त होकर आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हुई है। 9 तारीख को मेरे भाई अंकित त्रिपाठी की लाश मिली थी गोविंदगढ़ तालाब में अज्ञात रूप से। पुलिस वालों ने सूचना दी कि आगे अपने परिजन को बुलाया, मतलब पूरे गांव वालों को बताया कि आगे परिचय कीजिए। परिचय मिला, 9 तारीख को भाई की लाश मिली। पूरा काम होने के बाद भी आज तक पुलिस वाले कुछ भी नहीं किए, बल्कि उसी को मर्डर को पूरी तरह से आत्महत्या दर्शाने में लगे हुए। गोविंदगढ़ के लोग पैदल मार्च करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और आईजी चंद्रशेखर को अपनी व्यथा बताते हुए एक मांग पत्र सौंपा, जिस पर आईजी ने मामले की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने का आश्वासन गोविंदगढ़ के लोगों को दिया है। मामला ये था कि आम जनता इनसे बहुत त्रस्त है और थाना प्रभारी गोविंदगढ़ से, और आए दिन इनकी मतलब कोई ना कोई वो वजह रहती, जो आम जन जाके थोड़ी छोटी मोटी शिकायत भी रहती है या उनसे पैसा मांगेंगे पीड़ितों से, है ना, बिल्कुल निष्क्रियता के साथ अपना कमरे में बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। उनको कोई एक भी स्थानीय बता दे कि इनको क्षेत्र में घूमते पाया हो तो बताए, और उन्हीं के कारण आए दिन लूट, हत्या, चोरी, है ना। अभी पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का ताला टूट गया, और मतलब आए दिन कोई ना कोई केस प्रतिदिन गोविंदगढ़ में अपराध घटित होता है। आज सिर्फ यही कि कोई नया TI वहाँ ईमानदार TI पदस्थापित करें, इनसे आम जनता त्रस्त है, और अगर जल्द से जल्द ये कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम भी कर सकते हैं वहाँ के ग्रामीण। देखिए, एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें तरह की बातचीत की जा रही किसी पत्रकार से कि कोई फेवर देने के बारे में, तो हम लोग इसमें जाँच करेंगे क्या है उसका आशय और शिकायत बनती है तो उसमें जाँच करेंगे। मामूली विवाद को लेकर एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर के लवकुश नगर थाना के मिड़का में मामूली विवाद पर एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक के परिजनों की माने तो दीपक का इतना ही गुना था कि उसने पड़ोस में रहने वाले दबंग के घर की दीवार पर पैर रख दिया, जिस पर अगले दिन आधा दर्जन लोगों ने बंद कमरे में दीपक की जमकर पिटाई की। जब घर वालों को पता चला तो डायल 100 की मदद से युवक को पहले लवकुश नगर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर डॉक्टरों के पैनल से युवक का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आकाश, विनोद, मनोज, नहीं था सर, तो काफ़ी दिन पे एक का जन्मदिन था तो डोरी निकालने गया था, तो उस पर घर पे लात धर ली तो बुढ़िया कह रही थी हमारे यहाँ भीतर झांक रहा, मुसीबत में मारा हम। ये थाना लवकुश नगर के ग्राम मड़का की घटना है। इसमें एक युवक के साथ में मारपीट की घटना सामने आई थी, उसमें संगत धाराओं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसकी तबीयत खराब होने पर उसको जिला चिकित्सालय छतरपुर भेजा गया, वहाँ उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। उसका पैनल से PM कराया जा रहा है और जांच में पूछना रास्ते में खराब हुई स्कूल की बस को स्टार्ट करने के लिए बच्चों से धक्का लगवाने की घटना सामने आई है। स्कूल बस खराब होने से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद बच्चों ने करीब 20 मिनट तक बस में धक्का लगाया। ओबिदुल्लागंज के ब्राइट स्कूल की बस अचानक मार्केट में बंद हो गई, जिसके बाद उसी इस बस में बैठे स्कूली बच्चों से बस पे धक्का लगवाकर चालू करवाया गया। करीब 15 से 20 मिनट तक छात्रों ने बस स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाया। स्कूल बस खराब होने से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। बरसात के मौसम में कीचड़ में छात्रों से धक्का लगवाना कहाँ तक जायज है, इस बात का स्कूल प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, वही एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था। मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहा हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो। बूंद बूंद को तरस गए लोग,
और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो, पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रहा हूँ ये सवाल के रखो पानी को। वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे, वेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई, ऐसी तो हालत हो जाती है बता रहे हूँ, पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है बता रहे हूँ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं बता रहे हूँ, हमले तो बढ़ेंगे ही भैया जब पानी कम हो जाएगा, बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के, क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, ये तो अब चल गया है। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है बता रहा हूँ, अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर थे उधर थे, ये देखने को मिल सकता है बता रहा हूँ। ये सब उनमरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है बता रहा हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहती गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए बताओ, वो 22 फीट ऊंची दीवार कूद काद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है बता रही हूँ, ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे, वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी, उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो रुक जाओ, मेरा दोबारा था फिर से ट्रांसफर हो गया, ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे, उसमें अपना वोट डाल दो, ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए बता रहा हूँ, यह भी बहुत आलतियों की कमी नहीं है बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छोड़ गए इनके जीतने में बता रहा हूँ, हल्के में मतलब भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कब चल जाए क्या चल जाए, अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना बता रही हूँ। अभी विराट कोहली का फोन आ रहा है हमें, मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको, तो ये नमस्कार मैं जा रही हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।